हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम CCSU से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट अभी तक आ रही है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे कि लेटेस्ट अपडेट कौन सी है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यहाँ क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि CCSU एडमिशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है कि कल जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। इन कॉलेजों में हाई रह सकती है कट ऑफ, यानी CCSU एडमिशन को लेकर जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो कल जारी कर दी जाएगी। CCSU यूनिवर्सिटी के द्वारा कल आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी शनिवार के दिन। और यहाँ अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मेंशन किया गया है कि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पंजीकरण 25 अगस्त 2022 से पूरा हो गया। यानी कल से आपका जो एप्लीकेशन था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एडमिशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एडमिशन के लिए क्या होगा कि कल से मेरिट लिस्ट कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। कह रहा है कि पहली मेरिट लिस्ट अब कल 27 अगस्त 2022 को जारी की जाएगी। एडेड राजकीय कॉलेज समेत प्रोफेशनल एवं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पहली मेरिट लिस्ट 27 अगस्त की शाम तक आएगी। यानी कल शाम तक आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। कॉलेजों में इस मेरिट से 28 अगस्त से प्रवेश होंगे, यानी कल आपका मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपका संडे मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। संडे से भी यहाँ 28 अगस्त मेंशन कर रहे हैं, 28 अगस्त आपका संडे को ही पड़ेगा। तो संडे को क्या मंडे से ही स्टार्ट होगा आपका एडमिशन। मेरिट में छात्रों को पहली प्राथमिकता के कॉलेज मिलने पर प्रवेश लेने के निर्देश दिए गए हैं। पहली प्राथमिकता का कॉलेज मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने पर छात्रों को ओपन मेरिट तक का इंतजार करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन है गाइस। उसके बाद आप अपनी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कह रहे कि मेरिट में नाम आने पर छात्र को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंचेगा। यानी जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पे आपको मैसेज आएगा अगर आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। छात्र अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के जरिए www.ccsuweb.in पर जाकर भी मेरिट देख सकते हैं। यदि छात्र का नाम मेरिट में है तो लॉग इन आईडी से ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा। ये अगर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं लॉग इन आई डी के थ्रू, जो कि CCSU की ऑफिशियल साइट है वहां से। उसके बाद प्रवेश लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रवेश के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड ऑफर लेटर, पंजीकरण फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, PC, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जैसे सभी दस्तावेज लेकर पहुंचे। यानी आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो। बाद में ये ना हो कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखें। ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो ये सभी चीजों का आप ध्यान रखें। उसके बाद कह रहा है कि राजकीय कॉलेजों में हाई रह सकती है कट ऑफ। यानी राजकीय कॉलेज जो है विश्वविद्यालय के कुल पंजीकरण में ट्रेडिशनल कोर्स यानी BA, BCom, BSc और BSc AG सबसे आगे हैं। कुल पंजीकरण में से इन चारों कोर्स में अकेले 80% से अधिक पंजीकरण हुए हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस राजकीय एवं एडेड कॉलेज है। ऐसे में पहली मेरिट में इन कॉलेजों में कट ऑफ ऊपर रह सकती है। यानी कि जो आपके राजकीय कॉलेज है उनका जो कट ऑफ है वो हाई हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है गाइस। तो जब भी आप एडमिशन के लिए जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके जाएं। कल से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो आप अपना मेरिट लिस्ट जरूर चेक कर लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।